नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुजिता। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने पर वायुसेना प्रमुख BS धनोआ का बड़ा बयान, कहा बालाकोट के बाद पाकिस्तान कभी हमारे एयर स्पेस में नहीं आया। नीमच जेल ब्रेक मामले में मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 11 जून को जमानत पर छूटा था आरोपी। पूर्व CM रमन सिंह के लगाए नारे, चारों ओर अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पर CM भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा चौकीदार ही लुटेरा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा सपा के साथ आगे चुनाव लड़कर भाजपा को हराना संभव नहीं। कोहली पर मैच फीस का 25% जुर्माना, अफगानिस्तान के खिलाफ की थी अनावश्यक अपील। और खबरें विस्तार से। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर ग्वालियर एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हमारे हवाई क्षेत्र में नहीं आया था। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों पर हमला करना था और पाकिस्तान का लक्ष्य हमारी सेना के ठिकानों को निशाना बनाना था। हमने अपना सैन्य उद्देश्य हासिल कर लिया है, पाकिस्तान की ओर से किसी विमान ने नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया था। नीमच जेल ब्रेक मामले में सोमवार को पुलिस ने मास्टरमाइंड विनोद डांगी को गिरफ्तार कर लिया है। नीमच के कनावटी जेल से रविवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच जेल ब्रेक कर 4 आरोपी फरार हो गए थे। तस्करी, दुष्कर्म, हत्या जैसे गंभीर मामलों में यह चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। रायपुर में शनिवार को धरने के दौरान पूर्व CM रमन सिंह के लगाए गए नारे, चारों ओर अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पर CM भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। रमन के नारे के जवाब में उन्होंने पूर्व CM को चौकीदार ही लुटेरा है कहा। CM बघेल ने कहा, कल बिजली को लेकर बहुत हल्ला हुआ, सारे घोटाले रमन सिंह के समय हुए हैं, एक हवा का झोंका आता है और बिजली चली जाती है, व्यवस्था तो रमन सिंह के समय की ही है, ट्रांसफॉर्मर घोटाले से लेकर सारे घोटालों सब रमन सिंह के समय के हैं, इन सब के जिम्मेदार रमन सिंह हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बसपा और सपा के बीच सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को लगातार 3 ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने प्रदेश में सपा सरकार के दौरान दलित विरोधी फैसलों को दरकिनार कर देश हित में पूरी तरह गठबंधन धर्म निभाया। नतीजों के बाद अब सपा का बर्ताव सोचने पर मजबूर करता है कि सपा के साथ आगे चुनाव लड़कर भाजपा को हराना संभव नहीं है। इससे पहले 4 जून को भी सपा के साथ गठबंधन तोड़ने की बात मायावती कह चुकी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विराट कोहली को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अनावश्यक अपील करने के लिए कोहली पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगा है। कोहली ICC की धारा 2.1 के तहत दोषी पाए गए हैं। मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 11 रन से हराया था। PM नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ते दिखाई दे रही है। हुआ ये है कि नगर परिषद झुंडपुरा में कई माह से नालियों की साफ सफाई नहीं हुई है, वहीं शासकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र से निकलने वाले गंदगी नाले में जमा हो रही है। बालिका हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल के सामने अक्सर जल भरा रहता है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ रही है, परंतु नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। दमोह जिले में बिजली कटौती रुकने का नाम नहीं ले रही है। गांव क्या शहरी क्षेत्र के लोग भी बिजली कटौती का दंश झेल रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ICU में अक्सर बिजली चली जाती है और मरीजों का बुरा हाल हो जाता है। वहीं बिजली कटौती पर सियासी राजनीति भी होने लगी है। बिजली कटौती को लेकर दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह का कहना है कि बिजली कंपनी के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा बिजली दी जा रही है। उन्होंने यहां तक कि भाजपा शासनकाल के ठेकेदारों ने गुणवत्ताहीन कार्य किया था, जिससे बिजली सप्लाई में परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस चकराई हुई है, जो भी जवाब देती है वह खुद एक नया सवाल बन जाता है। कुछ लोग विद्युत कटौती को भाजपा का षड्यंत्र बता रहे हैं और उनका कहना है कि बिजली कटौती के नाम पर प्रदेश सरकार को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। आजकल लाइट की बहुत समस्या हो रही है, हमारे यहाँ पे रोज लाइट जा रही है, आज का एक दिन का नहीं रोज़ का हो गया है, बार बार लाइट जा रही है। और आज जैसे मैं खेलने के बाद वापस घर पे आया, मैंने फ़ैन ऑन करने के लिए बटन दबाया तो कोई लाइट नहीं, लाइट है ही नहीं। 10 बजे से लेके 2 बजे तक
ऐसे ही रहे हम लोग बिना लाइट के। 2 बजे के बाद लाइट आई, फिर थोड़ी चैन की सांस मिली, लेकिन उसके बाद भी फिर से चली गई लाइट। आपको और सभी को मालूम है कि MP की सबसे ज़्यादा कमाई बिजली से हो रही थी, लेकिन अब क्या है, कमलनाथ जी की सरकार आ गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो अब उनको बदनाम करने के लिए वो पुराने अधिकारी जो उनके पहले से टच में थे भाजपा के, तो वो उनके थ्रू सारी लाइट गोल करा रहे हैं, जानबूझ के लाइट गोल करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? सरकार को बदनाम करने के लिए करा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।